दोस्तों क्या आप भी यहाँ पर भीड़मेट से कोई भी सॉन्ग को डाउनलोड करते हो? डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी म्यूजिक प्लेयर है उस पर जाते हो, जाने के बाद देखते हो तो गाइस वो जो भी आपने भीड़मेट से सॉन्ग डाउनलोड किया था MP3 में जो भी सॉन्ग डाउनलोड किया हुआ था तो गाइस वो सॉन्ग यहाँ पर शो नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आप देख काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने भीड़मेट से कहीं से भी डाउनलोड किया है सारे यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर में आ रहा है, लेकिन आपका वहाँ पर भीड़मेट से कोई भी आप सॉन्ग को डाउनलोड करते हो तो गाइस जो भी आपका ऑफलाइन म्यूजिक प्लेयर है तो गाइस उस पर वहाँ पर शो नहीं होता, नहीं आता। तो गाइस आप कैसे लेके आ सकते हो आजकल मैं बताऊँगा। तो गाइस काफ़ी छोटा एक वीडियो रहने वाला है तो गाइस आपको एंड तक देखना। तो गाइस आप भी जैसे कि भीड़मेट से या तो गाइस किसी से भी कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हो तो गाइस आसानी से म्यूजिक प्लेयर में आ जाएगा। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन है सारे को क्लोज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ। आपको यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है सारे को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर अपना जो भी फ्लाइट मोड है उसको एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से गाइस यहाँ पर अपना फ्लाइट मोड को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर अपना दो तीन सेटिंग करना होगा। तो गाइस क्या सेटिंग है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस सबसे पहले अपना फोन का सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा नीचे जाना है, जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिलेगा, डिफॉल्ट ऐप, ऐप सेटिंग, कुछ भी ऐप लिस्ट भी मिल सकता होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको कोई भी ऐप्स का सेटिंग नहीं मिलता है तो गाइस ऊपर आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऐप्स कुछ सर्च करना तो गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे आप ऐप्स के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके फोन पर जितने भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, पता करना है म्यूजिक प्लेयर। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा म्यूजिक प्लेयर। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा आपको नीचे जाना है तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरे को म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन मिल चुका है। उसका लोगो देखना है और गाइस उसको आपको पहचानना है या तो गाइस यहाँ पर लिखा भी होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं म्यूजिक प्लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको जैसे कि म्यूजिक प्लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन अलाउ है और गाइस परमिशन में जाना है। तो गाइस जितने भी परमिशन है सारे को आपको यहाँ पर अलाउ करना है। जैसे यहाँ पर आप देख कुछ तरह पर डोंट अलाउ है तो गाइस आपको अलाउ करना है। जैसे यहाँ पर आप देख कुछ तरह अलाउ करने के बाद यहाँ पर माइक्रोफोन को इसको अलाउ करना है, डोंट अलाउ में होगा। तो गाइस फोटो वीडियो जो भी है तो गाइस उसको भी अलाउ करना है। सारा चीज़ को यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस सारा चीज़ को अलाउ करने के बाद फिर से गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग में आ जाना है। आप सेटिंग में जाकर ऐप सर्च कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है भीड़मेट को भी। तो गाइस आपके पास जैसे कि यहाँ पर आपको भीड़मेट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो गाइस आपको यहाँ पर भीड़मेट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को भीड़मेट मिल चुका है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से गाइस थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको ओनली क्लियर कैचेस करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है गलती से भी। कुछ नहीं करने के बाद यहाँ से आपको जैसे कि बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन सारे को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर से गाइस यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन को एक बार चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद जो भी साइट का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना थोड़ा देर और गाइस यहाँ पर आपको रीस्टार्ट बीच में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप भीड़मेट से कोई भी सॉन्ग को डाउनलोड करते हो तो गाइस आपका आसान ऐसे जैसे कि म्यूजिक प्लेयर में चला जाएगा और गाइस आप ऑफलाइन सुन सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा तो म्यूजिक प्लेयर में चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दो तीन सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक को जैसे कि प्ले करके सुना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको लाइव प्रूफ म्यूजिक सुनाया। तो गाइस ये सारा भीड़मेट से डाउनलोड किया हुआ है। तो गाइस चलो आज के वीडियो को जितना, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।